नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं मुरमुरे के लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी होता है, गुड़ से बनता है, तो ठंडियों में खाने में बहुत ही हेल्दी होता है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। ये मुरमुरा लिया है जिसको हमने छान लिया है और अच्छे से बिन लिया है, साफ कर लिया है, इसमें कुछ भी कचरा नहीं है, बिल्कुल साफ है। एक चम्मच घी और गुड़ इतना लिया है, ये तीन और एक ये आधा लिया है। इतने मुरमुरे में इतना गुड़ काफी है। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो हम पहले गैस पे कढ़ाई रख दिए हैं और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में। गैस को चालू कर दिए तेज फ्लेम में और कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, हमें ज्यादा नहीं गर्म करना है, बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है कढ़ाई। अब हम उसमें डाल देंगे मुरमुरे, इनको भूनना है। भूनना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं भूनेंगे तो आपकी लाई जो है लड्डू है वो बिल्कुल नरम बनेंगे, तो खाने में बिल्कुल ही टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए इसको हल्का सा भून लेंगे, इसको मध्यम गैस पे ही भूनना है। अगर आप तेज गैस पे भूनेंगे तो ये जल जाएंगे, तो इसको बिल्कुल गैस को मैंने मध्यम रखी है। इसको बराबर से चलाते रहना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ये भून चुकी है, इसको हम निकाल देंगे एक परात में। अब हम कढ़ाई में डाल देंगे गुड़, हमने इसको फोड़ा नहीं है, गुड़ को सहगा ही है, तो थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए इतना पानी डालेंगे, गैस चालू कर देंगे, इसे इस तरीके से चलाते रहेंगे ताकि जो हमारे ये गुड़ है अच्छे से मेल्ट हो जाए। पानी ज्यादा नहीं डालना है, इतना ही डालना है। आप चाहे तो गुड़ को फोड़ करके भी डाल सकते हैं। ये देखिए गुड़ मेल्ट हो गया है और चाशनी भी पूरी अच्छे तरीके से पक गई है। ये कढ़ाई छोड़ रही है, इसका मतलब अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें डाल देंगे घी। घी जरूर डालिए, घी से क्या होगा अगर आपकी चाशनी कड़क भी हो गई ना तो भी वो बैलेंस हो जाता है, लड्डू अच्छे से बनते हैं। इस तरीके से चला लेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें अपने मुरमुरे, गैस को कर देंगे बंद। अब इसे इस तरीके से मिला लेंगे। एक परात पे इस तरीके से पूरा डाल देंगे, इसी में हाथ में पानी लगा लेंगे। पानी जरूर लगा लीजिए हाथ में, नहीं तो गुड़ जो है चिपक जाएगा हाथ में। इसको गरम गरम ही बनता है। ये हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी मुरमुरे के लड्डू बनकर के तैयार हैं। बनाने में बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।